ओके वेलकम एवरीवन, मेरा नाम दीपा सिंह है, आप जानते हो। हमने पहले भी ये क्लास की हुई है। आज हम न्यूमरोलॉजी को स्टार्ट करेंगे पहले, और फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स जो होते हैं उनके क्या वाइब्रेशंस होती है, और उनसे हमको उनका इफेक्ट हमारी लाइफ में क्या होता है, और उस नंबर का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट आता है नंबर वन। नोट्स की टेंशन मत लीजिए, ग्रुप में मैं सेंड करती हूँ, तो जरूरी नहीं कि आपको लिखना, आप सुन लो वो भी बहुत है। फर्स्ट आता है नंबर वन। नंबर वन रिप्रेजेंट करता है सन को। सन हमारी आत्मा का कारक है ना। हम मतलब सबके लिए सन इम्पोर्टेंट है। सन हमारे जो रोल हमारे उसमें रिलेशनशिप में आता है, वो आता है फादर का रोल आता है सन का, ठीक है। तो सन जिसका स्ट्रॉन्ग होता है, उनको नेम फेम ये चीजें मिलती हैं लाइफ में, उनमें थोड़ा सा ईगो एक होता है ना, हल्का सा ईगो होता है। अब राजा है तो ईगो होगा उसके अंदर थोड़ा सा, तो उसमें आपको ईगो थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देती है। ये लोग बहुत अच्छे, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लीडरशिप स्किल्स इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और ये लोग डोमिनेटिंग होता है थोड़ा सा इनका नेचर। लेकिन जैसे गवर्नमेंट जॉब्स अगर आप किसी के लिए, जब आप एक लोशो ग्रिड बनाओगे आगे हम जो सीखेंगे उसमें, अगर आपसे कोई पूछे कि यार मेरी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, तो आप उसमें नंबर वन यानी सन को देख सकते हो कि इस केस में मिलेगी नहीं मिलेगी, चांसेस कितने परसेंट है वो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है नंबर टू। नंबर टू होता है मून का, चंद्रमा यानी हमारा मन। अब क्या होता है, हमारा मन चंचल है चंद्रमा की तरह। 15 डेज होता है ना चंद्रमा, 15 डेज में पूर्णिमा आती है, 15 डेज में अमावस्या आती है। सेम हमारा मन का भी होता है, कई बार हमारा मन नहीं कर रहा काम करने का, तो इन लोगों के अंदर मूड स्विंग्स आपको दिखाई देते हैं। दूसरी चीज, इनके अंदर जो इमोशन इमोशनली होते हैं, कनेक्ट इजिली हो जाते हैं, और जो क्रिएशन होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। आर्टिस्टिक लोग, म्यूजिक लवर्स, सॉफ्ट होते हैं ये लोग, ठीक है। अगर सॉफ्ट स्पोकन होते हैं ये लोग, और आर्टिस्टिक होते हैं ये लोग, बहुत अच्छे होते हैं। फिर इमोशनल थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं, तो कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे अटैच हो जाते हैं तो वहां पे इनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। नंबर तीन आता है गुरु का नंबर। गुरु का नंबर आता है। अब नंबर तीन जो है गुरु यानी क्या है, ज्ञान है ना। तो जब हम गुरु की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, कि नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज, इन लोगों से आप किसी भी चीज पे पूछोगे इनके पास उस चीज का नॉलेज होगा। और नॉलेज का मतलब कभी ये नहीं होता है कि इसने कौन सी डिग्री है इसके पास, ठीक है। कई बार नंबर तीन वाले आप वैसे देखोगे उनके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन उनका नॉलेज बहुत अच्छा होगा। तो उसको कभी आप एजुकेशन के उस पे मत नापिएगा कि अरे मतलब इसका नंबर तीन है, ये स्ट्रांग है लेकिन इसकी डिग्री नहीं है। बट जब आप उससे बात करोगे आप बोलोगे ऐसे लगता नहीं कि इसके पास डिग्री नहीं है, वो नॉलेज होती है उन लोगों के पास। नंबर फोर आता है राहु का नंबर। अब राहु क्या है, हमारा दिमाग। जितनी हमारी खुरापाती नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं वो हमारा राहु है, ठीक है। और राहु इज वेरी गुड मैनेजिंग एनीथिंग। उनका उनका दिमाग कैसा होता है, अभी अगर जैसे मेरा कोई प्लान है, हमारा एक नॉर्मल प्लान बना, वो हमारा प्लान अच्छा नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम्स आ गई उसमें, हम फिर सोचते हैं ना कि यार अब क्या करें, जैसे हमको टाइम लगता है। इन लोगों को क्या होता है, इनके पास एक प्लान नहीं, बैकअप प्लान्स ऑलवेज होता है इनके पास। दिमाग बहुत, हाँ जी राजेश जी, कुछ बोलना है आपको। आप म्यूट पे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सॉरी मैम, गलती से दब गया। सॉरी सॉरी ओके ओके ठीक है, कोई बात मैम, नहीं। प्लीज प्लीज। तो हाँ इट्स ओके, इट्स ओके। तो राहु का क्या होता है, इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, मैनेजमेंट स्किल्स इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। एक जो मैन्युपुलेशन स्किल्स आज के टाइम पे जो जरूरी है अगर हम देखें दुनिया में, तो
बहुत अच्छी स्किल्स होती है इनके अंदर ये चीज, ठीक है, मैन्युपुलेशन की स्किल्स जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, दिमाग बहुत तेज होता है, मेमोरी बहुत शार्प होती है इन लोगों की, ठीक है। फिर आता है हमारा नंबर पांच। नंबर पांच किसका आता है? बुध का। अब बुध क्या है? एक राजकुमार है, एक छोटा सा बच्चा है, वो यहाँ मतलब चंचल जो होता है, एक छोटा बच्चा चंचल होता है, वो एक जगह नहीं बैठ सकता। सेम आता है बुध के साथ, बुद्धि बहुत तेज होती है। ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं? गणेश जी को, ना, बुद्ध बुद्धि। तो इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, इनके पास भी मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं। सीए जो हम देखते हैं वो हम बुद्ध से देखते हैं। जो कम्युनिकेशन होती है इनकी वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, ठीक है। नंबर पांच, अब इसको कैसे करोगे? जैसे 25 है, 2 और 5 7 हो गया है ना, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ पे देखो, अगर 2 नंबर है उसको सिंगल डिजिट पे लिख के आओ, फर्स्ट वो है, उस चीज को अपने से मैच करो, ठीक है। फिर आ गया हमारा नंबर 6। नंबर 6 क्या होता है? शुक्र का नंबर होता है। ये शुक्र जो है दैत्य गुरु है, तो एक देव गुरु है 3 नंबर और एक दैत्य गुरु है, दैत्य गुरु। 6 नंबर क्या होता है? हमारी लाइफ में जो लग्जरीज है उसको रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में। अब हर एक की लाइफ में लग्जरी का डेफिनेशन अलग होता है, तो आप उसको मतलब वो नहीं कर सकते कि इसके पास ये चीज नहीं है तो इसकी लग्जरी नहीं है, है ना। सबकी लाइफ में लग्जरी अलग होती है। अब एक जो स्लम में रहता है उसके लिए तो ये कि भाई मुझे 3 टाइम खाना मिल जाए, मेरे घर में पंखा हो, बेड हो, मेरे लिए वो ठीक है। अब जो फ्लैट में रहता है वो कहता है मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एसी चाहिए, वो उसकी लग्जरी। तो सबका डेफिनेशन अलग होता है। हाँ, बट ये है कि 6 नंबर की जो वाइब्रेशंस है वो लग्जरी ही होती है, 6 नंबर। फिर आता है हमारा नंबर 7। नंबर 7 7 नंबर केतु होता है। केतु हमारा अंतर्मन होता है। जो राहु केतु जो है वो मतलब एक बॉडी है, तो सर राहु हुआ, धड़ केतु हुआ। इन ये लोग भी इमोशनल होते हैं, इनके अंदर थोड़ा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में नहीं होता है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जल्दी से ये लोग, ठीक है। और लेकिन इनके अंदर एक जो सिक्स सेंस होती है बहुत स्ट्रांग होती है किसी भी चीज को लेके, और अगर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो इनको बेनिफिट मिलता है। लाइक इनका सिक्स सेंस और ज्यादा एक्टिवेट होके इनको बेनिफिट्स देता है लाइफ। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी के लिए बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अब आता है नंबर 8। नंबर 8 ऐसे होता है, वो शनि का नंबर मानते हैं। अब हम ऐसे करते हैं तो शनि का यूजुअली होता है 8 नंबर, लोग डरते हैं। वो इन्फिनिटी का भी नंबर है और वो हमारे कर्माज हैं। जैसे जो मैंने अच्छा किया मुझे अच्छा मिलेगा, अगर मैंने बुरा किया मुझे बुरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि देव जो है वो जस्टिस के देवता है, तो इसीलिए इनकी लाइफ में क्या होता है ना, कई बार स्ट्रगल्स बहुत होती है। शनि वालों को आपने देखा होगा, 8 नंबर वालों को कई बार होता है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स होती रहती हैं, बहुत सारी स्ट्रगल्स होती है। अब इसका बहुत आसान तरीका क्या है? अब इनमें आप कभी देखो अगर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स हो रही है, शनि वाले जो नंबर्स हैं उनमें, इनमें हल्का सा ना ईगो भी रहेगा या एक अकड़ रहती है इन लोगों के अंदर। तो जब तक आप झुकते नहीं हो, वो अकड़ नहीं जाती है आपके अंदर से कि मैं, जब वो मैं चला जाता ना, ये लोग बहुत राइज करते हैं अपनी लाइफ में। और इनकी जो ग्रोथ भी जो पैटर्न होता है वो बहुत स्लो होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी की मतलब कॉलेज पास आउट हुआ या 24-25 में किसी की जॉब लग गई, एक एग्जांपल है, ठीक है। अब जो शनि वाला होगा ना, उसकी उसकी जो उसका जो वर्किंग होगा वो पहले से ही शुरू हो जाएगा। ये लोग जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। इनकी जो नॉर्मल, जैसे कई होता है, कई लोगों को देखा होगा वो टीनेज से ही काम कर रहे हैं और 60 हो चुका है वो काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग होंगे आपने कभी देखा हो। तो इन लोगों का क्या होता है, शनि रूल कर रहा होता है, क्योंकि ये अर्ली एज से ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं। अब आता है हमारा नंबर 9। नंबर 9 होता है मंगल का नंबर, मास जिसको हम बोलते हैं। और ये कैसा है, ये सिपाही है जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार मिलेगा आपको, एक एग्रेसिवनेस रहती है, ओके। तो ये हमारे कभी बेनिफिट भी होता है, कई बार लॉस भी होता है, जैसे हम उसको यूज करें, लेकिन इनमें एक एग्रेसिवनेस रहती है। ये लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं,
और ये किसी से डरते नहीं है कि डर के बैठ जाएं, ये इनका नेचर नहीं होता है। मुंह पे बोल देंगे आपको चीजें। इनके साथ एक चीज हम होती है, 9 नंबर वालों को जितना वो डोनेट करें या जितना वो सेवा करें लोगों की, उतना यूनिवर्स उनको देता है। ठीक है, ये हमारा, ये 9 नंबर वालों की जो वाइब्रेशंस होती है वो ऐसी होती है। अब अगर हम इनके कलर्स की बात करें तो नंबर वन जैसे सन है, उसका ऑरेंज कलर आ गया, ठीक है। नंबर टू चंद्रमा सफेद, उसका तत्व क्या हो गया, पानी। अब मुझे अपना सन स्ट्रॉन्ग करना हो तो मैं क्या करूंगी, गेहूं जो होता है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, ये सन के लिए हो गया। मुझे अपना मून स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करेंगे हम सिल्वर, वो हो गया। पानी जो सबसे आसान है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। आप पानी वेस्ट करना कम बंद कीजिए, जो ग्लास में पानी लिया उसको फिनिश कीजिए, नहीं तो उतना लो जितना आपसे पिया जाए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक। अब नंबर तीन गुरु, गुरु के लिए हम जैसे केले के पेड़ की पूजा बोली जाती है, चने की दाल, जो भी पीली चीजें आती हैं, चने की दाल हो गई, बेसन हो गया, केला हो गया, ये सारी चीजें जो है गुरु को रिप्रेजेंट करती है। गुरु हमारा टीचर होता है लाइफ में, चंद्रमा मदर होती है। फिर आता है बुध, सॉरी राहु। राहु का जो एक धुआं होता है ना, राहु, राहु और राहु की जो रेमेडीज है वो बुध की होती है। मतलब जैसे गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना है ना, वो चीजें, हरी चीजें जो हम दान करते हैं। कभी भी अगर आपको देखना हो कि मेरा राहु मुझे सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं दे रहा है, जैसे कईयों के घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होते हैं, बहुत होते हैं, बिना बात के खराब हो गए, कई बार बिना बात की बीमारी आ गई, अनवांटेड एक्सपेंसेस आ गए, कुछ भी हो सकता, हो जाता, जो इंस्टेंट या अचानक चीजें होती है ना, वो राहु को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देखो कि यार मेरा बुध कैसा है। अगर आपका बुध ठीक है या आपको बेनिफिट्स दे रहा है, कई बार वो हमारी गलतियों के वजह से हमको बेनिफिट्स नहीं देता है, ठीक है। तो हमारी कौन सी, हमने कोई गलती की तो हमारा एक ग्रह खराब हुआ, हम उसको कैसे ठीक करते, हम बुध को यानी गणेश जी को भोग लगाया, बुधवार के दिन किया। अगर गणेश जी को आप बुधवार के दिन 11 दूर्वा घास पे हल्दी, पीला हल्दी लगा के चढ़ाते हो तो उनको, मतलब राहु ठीक होता है आपका, ठीक है। और राहु एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है, नारियल, जो हमारा सर है, हमारा ईगो भी यही रहता है ना कि मैं ही हूँ सिर्फ। तो उस चीज को भी अगर आप पानी में बहाते हो, पानी में ना बहा के उसके बगल में रख दो, नदी में कहीं पे, वो चीज भी आपको बेनिफिट देती है। फिर आता है बुध, पांच हाँ नंबर जो है, तो वो बुद्धि गणेश जी का नंबर है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कई बार, हमारे हम बोलते कुछ है, सामने वाला समझता कुछ है, तो ऐसे में हम किसको करेंगे, बुद्ध को। कौन है ये, हम किसको करेंगे, बुद्ध को, ठीक है, यानी गणेश जी को हम वो करेंगे। और इसका कलर कौन सा आता है, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर में हम प्लांट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, हरे पौधे, आप उनकी भी देखभाल करो, उनकी ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी, ऐसे भी होता है। फिर आ गया हमारा नंबर छः, नंबर छह आता है शुक्र। शुक्र में भी वाइट को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि और चमक धमक जो होता है ना, डायमंड बोल लो आप, जैसे वाइट डायमंड ग्लिटर, वो सारा शुक्र आ गया आपका। ओके, तो हम शुक्र को कैसे ठीक करेंगे, हम नहाएं, मतलब नहाना, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना, परफ्यूम्स यूज करना, ये चीजें जो है शुक्र को इंक्रीज करती है आपकी लाइफ में। और एक चीज होती है, जैसे हम हैंड, हमारे जो हाथ होते हैं, हैंड क्रीम्स जो होती है ना, वो यूज करने से जैसे हमारे हैंड सॉफ्ट होते हैं, एक्सेस सॉफ्ट नहीं होने चाहिए आपके। देखो आपके हाथ है, आपके हाथ और आपके चीक्स ज्यादा सॉफ्ट होंगे, आपके हाथ उससे थोड़े कम सॉफ्ट होने चाहिए, तो आपका शुक्र एक्टिवेट होता है। या ये माउंट होता है, यहाँ पे आप कर्ड लगा के शुक्र का मंत्र बोलो, आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाता है उस चीज से, ठीक है। वो आपको सिर्फ फ्राइडे करना चाहिए, डेली नहीं, एवरी फ्राइडे करोगे धीरे धीरे आपको असर मिलना शुरू हो जाता है। फिर आता है हमारा नंबर नौ, नंबर नौ मंगल, हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं उसको। हमारे अंदर जो भी हम नंबर करना एट चाह, नंबर
सॉरी आई एम सो सॉरी, नंबर 8 जो है शनि को रिप्रेजेंट करता है। शनि को हम कैसे खुश करते हैं, जो लोहे का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जो लोग, उनको आप तेल, और तेल आपको फ्राइडे को खरीदना है, ऐसे नहीं आप सैटरडे को सरसों का तेल खरीद के, नहीं, वो आपका शनि नेगेटिव कर देगा। फ्राइडे को सरसों का तेल खरीदिए और सैटरडे को दान कीजिए, जो लोहे का काम करता है उनको। और दूसरा, जो लोग मतलब जिनके हाथ पैर नहीं है, अपंग हैं जो लोग, उनको आप सपोर्ट कीजिए। ऐसे नहीं दया भाव से नहीं करना है, एक सेवा भाव से आप जब उनको सपोर्ट करना शुरू करोगे, आपका शनि स्ट्रांग हो जाता, होना शुरू हो। बाकी जैसे आप डॉग्स की सेवा करते हो, उससे भी आपको, डॉग्स की जब हम सेवा करते हैं, राहु केतु शनि हमारे स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है नंबर 9। नंबर 9 यानी मंगल, हनुमान जी का। हमको लाइफ में कोई भी काम करना है, आपको भले ही अपनी प्लेट से खाना अपने मुंह तक ले जाना है, उसके लिए भी हमको ही काम करना है ना, कर्म हमारा होगा, तो वो एफर्ट है ना, यहाँ से आगे यहाँ तक भी एफर्ट लगता है हमारा। तो जितने एफर्ट्स हमारे लाइफ में हम करते हैं, वो सारा मंगल को रिप्रेजेंट करता है। कई बार हमारे दिमाग में तो चल रहा होता है कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना, ये करना, लेकिन जब हमारे काम करने की बारी आती है, हम कुछ नहीं करते हैं। ऐसा होता है ना हमारे साथ, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, मंगल, कि आपके कहीं ना कहीं वो एनर्जी डिस्टर्ब है जो आपको एफर्ट्स के लिए बोले कि नहीं करना है, अभी करना है, हम बाद में नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीजें जो है। और मंगल का कलर रेड होता है, शनि का कलर काला होता है, शुक्र का कलर व्हाइट होता है। ये सारी चीजें नंबर्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी है। अब कल जब हम लोशो ग्रिड बनाना, मैं आपको बताऊंगी वन एक उसमें चार्ट में, तो आप लोग अपना लोशो ग्रिड बनाएं और उसको चेक करें कि कैसे ये सही है या नहीं है। मतलब जो जो चीज उसमें हम सीखेंगे, वो चीज आपसे कनेक्ट होती है या नहीं। अगर अभी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ही चेक करो, डेट ऑफ बर्थ अगर आपका 2 डिजिट है तो दोनों को ऐड करो, जैसे 24 है तो 2 और 4 उसको ऐड कीजिए और आपका एक नंबर निकल के आएगा, जैसे 6 नंबर निकल के आएगा। ठीक है, अब आप इसको जब ऐड करके उस वाइब्रेशन से मैच करोगे तो आपको कनेक्शन मिलेगा कि हाँ कहाँ, मतलब वैसे मेरे अंदर है या नहीं है, या मैं वैसा हूं या नहीं, ये आपको चीजें मिलना शुरू होती है। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो चीजों। अब इसमें क्या होता है, 1 और 8 यानी शनि और सूर्य जो है वो अपोजिट है। ठीक है, उनकी नहीं बनती है, ये पता है सबको ना, तो वो उनकी बनती नहीं है। तो जब आप किसी 8, जैसे मैं 1 हूँ और मैं किसी 8 वाले से अगर मिलू ना, वो वाइब्रेशंस मैच नहीं करेंगे हमारे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको पसंद नहीं करती या वो मुझे पसंद, एक होता ना कि आपको वो सामने वाला पसंद ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर ले, ऐसा सिचुएशन होता है। देखो बुध एक ऐसा नंबर, 5 नंबर जो बुध का है, वो एक ऐसा नंबर है, वो सबसे उसकी बनती है, चाहे थोड़ी बनती हो चाहे ज्यादा बनती हो, पर बनती सबसे है, वो बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं। ठीक है, राहु की जब सूर्य से नहीं बनती है, चंद्रमा से नहीं बनती है, गुरु से नहीं बनती है, ओके, शनि देव से भी थोड़ी बहुत बनती है उनकी, और हाँ इन सब से नहीं बनती है उनकी। राहु और केतु की बहुत अच्छी बनती है, चंद्रमा की राहु से नहीं बनती है, केतु से नहीं बनती है, बुध से बनती है, चंद्रमा की मंगल से भी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, अब चंद्रमा क्या है, मूड, मन है मेरा मन है, मैं नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन सिपाही तो कहता है ना कि भाई मुझे तो ये काम करना है, अब काम करना है, और एक कह रहा मुझे नहीं करना है, तो वो एक जो बीच में दर्द वो होती है ना, फ्रिक्शन, इस वजह से नहीं होता उनका, एक साथ नहीं बनती है। ठीक है, फिर हम शनिदेव के साथ जो है, जो हमारा गुरु 3 नंबर है, वो म्यूचुअल है, मतलब ठीक है, ठीक ठीक है, ऐसे नहीं बोलोगे कि बिल्कुल ही नहीं है या बिल्कुल है। हाँ, शुक्र यानी 6 नंबर और 3 नंबर, इनकी नहीं बनती है जल्दी। क्यों? क्योंकि दोनों गुरु है, दोनों के अंदर अपना ईगो है। एक दैत्य गुरु है, वो कहते मैं भी पावरफुल हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, पावरफुल हूँ। दूसरा हमारा गुरुदेव है, तो वो भी तो पावरफुल है, उनके पास भी सारी विद्याएं हैं, तो वो एक ईगो क्लैश रहता है दोनों में, क्योंकि एक अच्छा सिखाते हैं और एक थोड़ा सा अलग
दैत्य बुरा सिखाते हैं, तो वो उन दोनों में नहीं बनती है। ठीक है, ये चीज आप ना अपनी जब आप किसी से कनेक्ट करोगे, या जब आप हम ड्राइवर कंडक्टर जिसे निकालते हैं, आपका जो फर्स्ट आपने नंबर लिया 25, ठीक है, 25 का टोटल आ गया 7, ये बर्थ डेट हो गया। अब जब हम टोटल करें किसी किसी का डेट ऑफ बर्थ है, कोई एक प्लीज शेयर कर दो चैट पे। कोई भी डेट ऑफ बर्थ चलेगा, हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, दो दो आ गए। थैंक यू जुलेश। देखो जुलेश जी का आता है 6 और 1, नंबर 7 आता है ना। अब इसको नंबर 7 को, नंबर 7-1 है ना, वो 7-1-1983 करेक्ट? यस मैम। ओके, तो 16, 1 प्लस 6 हो गया 7, 7 प्लस 1 हो गया 8, ठीक है। टोटल करना है इसको हमको, 6, 7, 8, 9, 9 प्लस 9 हो गया 18, हाँ। 2 आ रहा है मैडम। कितना? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है मैडम। टोटल करने पे आपको 2 मिल रहा है। ओके मैम, यस मैम। है ना, टोटल करने पे आप कह रहे हो 2 मिल रहा है आपको। तो आपका टोटल, आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका जो हो गया 7 और 2 हो गया, करेक्ट? यस मैम, यस मैडम, यस मैडम। है ना, तो अब 7, yes, 7 आ गया केतु का और 2 नंबर आ गया चंद्रमा का, तो yes, मन में वो एक उलझती रहती होगी। यस मैम, रहती है कि उलझन में बहुत रहती है कि ये ऐसे वो वैसे क्या कैसे, कंफ्यूजन्स रहती है आपके, उलझने बहुत रहती होंगी। Yes, ma'am. है ना, तो इसका आप नंबर 2 जो मून है उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिले। नंबर 7, जो भी नंबर 7 को स्ट्रॉन्ग करना है, उसका सबसे आसान एक रेमेडी है, आप हल्दी या केसर का तिलक माथे पर लगाना शुरू कीजिए, माथे पर, ये जो हमारे कंठ होता है यहाँ पर और नाभि पर, आपको वो जो एक उलझन होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी आपकी। एक क्लैरिटी जो लाइफ में आती है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। हल्दी लगाना चाहिए और नारियल का क्या मैडम? नारियल नहीं, हल्दी, हल्दी या केसर। हल्दी, केसर या हल्दी। ओके मैडम, ओके, कोई भी, कोई भी। केसर वैसे भी जो होता है, केसर का जो तिलक होता है वो आपका भाग्य उदय करता है। ओके मैडम, तो जैसे हमको अपने लाइफ में लक चाहिए, अगर बोलते हैं ना हमको हमारी लाइफ में लक एक्टिवेट करना है, उसके लिए आप अर्ली मॉर्निंग उठ के 1 चम्मच शहद, शहद रिप्रेजेंट करता है मंगल को, तो उसमें थोड़ा सा सिनेमन, दालचीनी का पाउडर, अगर आप 1 चुटकी, ज्यादा नहीं, अगर आप उसमें डाल के उसको खा लेते हैं तो वो आपको वो बेनिफिट दे देता है, मतलब आपका भाग्य, आपके लक आप एक्टिवेट होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में कहीं आप निकल जाओगे उस चीज से बाहर ऐसे। ओके मैम, मैम ये भी कर सकते हैं, ये कॉमन रेमेडी है, ये कोई भी कर सकता है। हल्दी में वो शहद नहीं, दालचीनी, शहद में दालचीनी, तो ये बहुत कॉमन रेमेडी है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि ठीक हो या आपका, एक मिनट आ रहा है, तो उसमें आप ऐसे करोगे आपको बेनिफिट मिलना शुरू होगा। लेकिन हाँ, बेनिफिट्स प्लीज शेयर करना कि अच्छा था, कैसा था, फीडबैक, सॉरी, फीडबैक शेयर करना जरूर, ठीक है? ये आप करो। अभी ये कौन है? उमंग जी। उमंग जी आपका 1 और 7, 8 नंबर आता है। 8 मेरा सपना, सपना उमंग, सपना उमंग। ओके, ये मीटिंग खत्म होने वाली है 10 मिनट में। वैसे ये 1 और 7, 8, तो इसमें 8 और 8, डबल टाइम 8 आता है, तो लाइफ में स्ट्रगल्स भी होंगी, स्लो प्रोसेस लाइफ में। उमंग, सपना, हेलो, सपना खंडेलवाल, सपना, हाँ, उमंग लिखा हुआ है, उमंग मेरी बेटी का नाम है, बेटी का नाम है उसका, वो क्लासेस होता है।
अच्छा तो ये इसमें 8 और 8 में सपना जी भी तो जानते हो। यस 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 ठीक ठीक है। तो ये आप लोग कीजिए, और नोट्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। वैसे मैंने रिकॉर्डिंग की है, मैं आपको वो भी भेज दूंगी। पिपा कौन जी, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि जैसे सा? वो चंद्र मेरा वही वाला जो कि चंद्र जिनका कमजोर होता है या वीक अशुभ होता है, क्या वो लोग दो जला के कुछ खोया वोया हाँ बना सकते हाँ हैं तो उसमें मैंने आपको कोई? हाँ बोला था। हाँ वो एक्चुअली वो बहुत रात को आया ना, तब तक हमारा वो प्रोसेस मैंने फिर वो छोड़ ही दिया, फिर उस मैंने दिन मम्मी से बनवा जन्माष्टमी दिया थी, था। उस दिन जन्माष्टमी हाँ थी ना, वही ना, बिजी थे एक्चुअली मैं। हमारे ना जन्माष्टमी वाले दिन ही वो मेवा पाक बनता है ना, वो जन्माष्टमी पे ही बनता है। अब हर साल तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन लास्ट अभी किसी ने मुझे बोला कि नहीं बनाना चाहिए, तो मैं